अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग के सेशन में आप सबको वेलकम करता हूँ। जैसे कि हम पिछले हफ्ते से डिफिनेट आर्टिकल पढ़ने पर तैयार आए, आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो स्क्रिप्चर बुक। डिफिनेट आर्टिकल का एक और आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि डिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम होली स्क्रिप्चर बुक के साथ भी करते हैं। होली स्क्रिप्चर बुक का मतलब ये कि जब भी इस्लामिक किताबों के नाम आते हैं, इस्लामिक किताबों के नामों से पहले हम डिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी डिफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम इस वक्त भी करते हैं जब भी इस्लामी डेफिनेट आर्टिकल इस्लामी किताबों के नामों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इस्लामी किताबों के नाम आते हैं, इस्लामी किताबों के नामों से पहले हम इस्लामी किताबों के नामों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी इस्लामी किताबों के नाम आते हैं, इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल द किताब, ये किताब जो है ना, ये अन मुस्लिम का एक मुकद्दस बुक है। जैसे कि सेकेंड एग्जांपल मैंने दिया कि कुरान जो हमारा एक मुकद्दस बुक है, इस्लामिक बुक है। हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होली स्क्रिप्चर बुक के साथ हम करते हैं। ये किताब जो है ना एक मुकद्दस किताब है, मुकद्दस किताब के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कुरान आया है, कुरान के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये एक इस्लामिक बुक है, ये एक मुकद्दस किताब है, इसलिए हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। तौरात एक इस्लामिक बुक है, इसलिए तौरात के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि जबूर, द जबूर, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द बाइबल एक इस्लामिक बुक है, इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया बहुत आम सी बात जो हर किसी को पता है कि ये डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल हम होली स्क्रिप्चर बुक के साथ करते हैं। इसमें खास कौन सी बात है? खास बात ये है कि जब भी अतर्स के नाम आते हैं और अतर्स के नाम के साथ बुक का नाम भी आता है, तो वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। इससे गौर से सुनो, अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। जब भी अतर्स के नाम आते हैं, अतर्स के नाम आते हैं और इसके साथ बुक का नाम भी मेंशन होता है, तो वहां पर हम डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, राइट? और सेकंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, जो है कि नेम ऑफ बुक। जब भी आम किताबों के नाम आते हैं, वहां पर हम डिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। मीन्स दैट विद कॉमन बुक्स वी डू नॉट यूज डिपेंडेंट आर्टिकल, द राइट? कॉमन आम किताबों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो इंग्लिश के साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, राइट? जैसे कि इंग्लिश केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ भी हम द केमिस्ट्री नहीं, ये सिर्फ केमिस्ट्री है। जैसे कि उर्दू, उर्दू के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, नाम केमिस्ट्री के साथ करते हैं, और ना फिजिक्स के साथ। सिर्फ इस्लामी किताबों के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। बायोलॉजी के साथ भी हम नहीं करते, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता, सही? अक्सर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं, तो आपने इस पॉइंट को भी नोट करना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है। और ये तो हो गया हमारा चिट्ठा कंसेप्ट जो है होली स्क्रिप्चर बुक। जब भी इस्लामिक किताबों के नाम आते हैं, इस्लामिक किताबों के नामों से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और हमारा जो सातवां कंसेप्ट है कि न्यूज़पेपर, जब भी न्यूज़पेपर्स के नाम आते हैं, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। जब भी न्यूज़पेपर के नाम आते हैं, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। छठे कंसेप्ट में हमने पढ़ा कि होली स्क्रिप्चर के साथ डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होता है। एक और कंसेप्ट है जो हमारा सातवां कंसेप्ट है, इसमें जब भी न्यूज़पेपर के नाम आते हैं, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। विद न्यूज़पेपर नेम वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द, लाइक जैसे कि टाइम ऑफ बलूचि, टाइम ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जब भी न्यूज़पेपर के नाम आते हैं, वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डाउन टाइम, यहाँ पर भी हमें डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, राइट? द की टाइम,
शो ऑफ टाइम। जब भी न्यूज़पेपर के नाम आते हैं वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल द पाकिस्तान टाइम, राइट। यहाँ पर हमने डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया। एक न्यूज़पेपर का नाम है द डॉन टाइम, यहाँ पर भी हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया क्योंकि एक न्यूज़पेपर का नाम है द कीपीके टाइम। इसी तरह जोफ टाइम, इसी तरह तुर्बत टाइम, राइट, एक्सेट्रा। जब भी न्यूज़पेपर के नाम आते हैं वहां पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ये तो होगी आज का कंसेप्ट। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम आर्टिकल के और कंसेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।